मन क्रोश है और मैं पिछले 6 महीने से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फिलहाल मैं नेक्स्ट आईएएस में पढ़ रहा हूँ। ओके, पॉलिटिकल मैप है भारत देश का और यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप है, इसी के जस्ट नीचे मेरा स्टडी टेबल है। यहाँ मेरे करंट अफेयर मैगजीन्स हैं जो मुझे कोचिंग से मिलते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं मेंस और प्रीलिम्स दोनों के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। यहाँ एक सिलेबस रखा है यूपीएससी के और यहाँ मैं अपना डेली टारगेट वगैरह लिखकर लगाता हूँ और इन्हीं को मैं केवल फॉलो करता हूँ। ये एक ऐसा वॉल है जिसके आगे मैं अपने दिन का काफ़ी समय बिताता हूँ, कुछ मिनटों का, मे बी नॉट द नेक्स्ट मंथ, बट वन थिंग इज़ ट्रू, आई विल बी चैम्पियन। मैं कुछ नहीं है, मुझे जैसे कि मैंने बताया मुझे म्यूज़िक का काफ़ी शौक है, तो ये क्लास 11th में मैंने मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि इसमें GS 1 2 3 4 बताया हुआ है उसमें हमें क्या पढ़ना है। एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ द करीबियन नाइट्स, पायरेट्स करीबियन नाइट्स, तो उस मूवी में एक डायलॉग था जब ये अपने फादर से पूछते हैं कि आप तो आज तक जिंदा बचे हुए हैं, तो राज क्या है हमेशा खुश रहने का और जिंदा बचे रहने का। तो इनके फादर कहते हैं कि जिंदगी केवल जीने और मरने का नाम नहीं है, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है क्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ में एक यूपीएससी एस्पिरेंट, इनसे हम बातचीत करेंगे और साथ में मुझे इनके रूम में आके बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने रूम को बहुत ही अच्छा सजा रखा है। अभी हम उसकी भी सारी तस्वीरें दिखाएंगे, इनके बुक्स वगैरह के बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे, बट पहले हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है और आप किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। मेरा नाम अनक्रोश है और मैं पिछले 6 महीने से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और फिलहाल मैं नेक्स्ट आईएएस में पढ़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आईएएस में आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की फ़ी वगैरह कितना है। सर वहाँ का फीस 170 प्लस। ओके, अच्छा हम आपसे जानना चाहेंगे आपके ऑप्शनल क्या है। सर मेरा ऑप्शनल PSIR है। ओके, ऑप्शनल आपका PSIR है, थोड़ा सा इनके रूम को दिखा दिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा आप खुद ही इंट्रोड्यूस करा दीजिए अपने रूम को, बता दीजिए क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। यहाँ पे एक पॉलिटिकल मैप है भारत देश का और यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप है, इसी के जस्ट नीचे मेरा स्टडी टेबल है। यहाँ मेरे करंट अफेयर मैगजीन्स हैं जो मुझे कोचिंग से मिलते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं मेंस और प्रीलिम्स दोनों के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। यहाँ एक सिलेबस रखा है यूपीएससी के और यहाँ मैं अपना डेली टारगेट वगैरह लिखकर लगाता हूँ और इन्हीं को मैं केवल फॉलो करता हूँ एक दिन के अंदर। ये कुछ मटेरियल है जो मुझे मेरी कोचिंग से मिला है। ये है ज्योग्राफी का एक चार्ट, ये कुछ पेड़ अंकुश, यहाँ पे ये कुछ इंडियन पॉलिटी भी लक्ष्मीकांत की दिख रही है। ये बुक कैसी है। ये NCERT है जो कि 6 to 12 तक की। तो NCERT आप यहाँ आने के बाद स्टार्ट की या फिर पहले आपने पढ़ा था। तो NCERT पूछ रहे हैं आप, ये 10 to 12 क्लास के NCERTs हैं और मैं एक्चुअली उनको पहले भी पढ़ चुका हूँ क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड रहा है स्कूलिंग का वो भी आर्ट्स रहा है। मैं 11th 12th में आर्ट्स साइड से पढ़ा हुआ हूँ और मेरा ग्रेजुएशन में भी BA मैंने चुना था इसीलिए, जिससे मैं अपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ। बिल्कुल, ये यहाँ पे कुछ पौधे भी दिख रहे हैं। हाँ, ये इनका लगाने का मतलब क्या राज है, हरा भरा रहे, थोड़ा ताजगी रहे। हाँ, या फिर कुछ और। बस इतना ही है कि थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स है और इतना ही है। बाकी यहाँ पे कुछ फोटोज दिख रही है, जरा दिखाइए, मुझे लगता है ये किस कारण से लगा के रखे, इनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ विवेकानंद जी, बाकी और भी कुछ तस्वीरें हैं, इनके बारे में आप बताइए जरा। ये एक ऐसा वॉल है जिसके आगे मैं अपने दिन का काफी समय बिताता हूँ, कुछ मिनटों का। जैसे कि यहाँ पे पहला फोटो है स्वामी विवेकानंद, फिर निकोला टेस्ला है, लियोनार्डो दा विंची है। इन्हीं तीनों से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। आगे देखें तो क्योंकि मैं म्यूज़िक को पसंद करता हूँ तो यहाँ अरिजीत सिंह है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मेरा काफ़ी रुझान है, तो एलन मस्क मुझे बहुत पसंद है। इसके जस्ट नीचे एक ऐसा कोट है जो मेरे बहुत काम आया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहा था, जहाँ लिखा है कि मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो एंड मे बी नॉट द नेक्स्ट मंथ, बट वन थिंग इज ट्रू, आई विल बी चैम्पियन मंडे। क्योंकि जब हम शुरुआत में तैयारी करने आते हैं तो हमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती है, तो मैं खुद को यही थाट बोल करके मोटिवेट करता था और ये थॉट मुझे सोशल मीडिया पे किसी रील में मिला था। बिल्कुल अनुक्रोश, मोटिवेट रहना जीवन में काफी जरूरी है, और कैसे मेंटेन रखते हैं कुछ बताएंगे। देखिए जो बच्चे शुरुआत में आते हैं, और ये दिक्कत मेरे साथ भी हुई, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो, हम उसको कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा डिप्रेस होने लगते हैं, एंशियस होने लगते हैं।
उसके लिए यही काम आएगा कि आप रिलैक्स रहें, थोड़ा ध्यान करें, मैं एक्चुअली ध्यान करता हूँ, और एक टारगेट बनाएं डेली का, जितना हो सके उतना उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, आप रिलैक्स होके सो जाएं और कल एक नया टारगेट बनाएं और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, धीरे धीरे आदत बदल जाएगी और आपके पढ़ाई में सुधार आएगा। बिल्कुल अनक्रोच बट काफ़ी कभी कभी ऐसा भी अनक्रोच बट कभी कभी ऐसा भी होता ना कि जैसे पिछले पीछे की चीज़ें लोग भूल नहीं पाते हैं कि पिछला दिन हमारा बेकार गया, हमारी स्टडीज नहीं हो पाई, तो अगले दिन वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें या आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल ऐसा पहले होता था, एक्चुअली पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि कल अगर अच्छी स्टडी नहीं हो पाई तो आज मैं परेशान रहता था, लेकिन इससे कुछ मिलने नहीं वाला होता है, आपको वही देखना चाहिए जीवन में जो आपके हाथ में है, जिसे आप कर सकते हो। आप परेशान होकर अच्छी स्टडी नहीं कर पाओगे, खुश रहकर कर पाओगे, बहुत सीधा सीधा मैथ है तो उसको मैंने समझा कि खुश रहकर ही पढ़ाई करते हैं, कोई बात नहीं कल अगर दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं अगले दिन हमेशा पूरी एनर्जी के साथ खुशी से उठता हूँ और अपना डेली टारगेट बनाता हूँ उसको अचीव कर। ओके, बिल्कुल अपने टारगेट्स को बनाते रहना चाहिए और धीरे धीरे उसको अचीव करते रहना चाहिए। अच्छा, अभी हमारी निगाह जो है आपके रूम में रखी हुई गिटार पे पड़ी, इस गिटार का क्या राज है? आप मतलब प्रोफेशनली इसको बजाते हैं? नहीं, प्रोफेशनली तो कुछ नहीं, मुझे जैसे कि मैंने बताया मुझे म्यूज़िक का काफ़ी शौक है, तो ये क्लास 11th में मैंने मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पे, तभी से मेरे साथ है, मैं हॉस्टल गया पढ़ाई करने कॉलेज में तब भी मेरे साथ था और आज यहाँ तैयारी कर रहा हूँ अब भी मेरे साथ है, बस कभी कभी ही थोड़ा एंजॉय के लिए। बिल्कुल, और भविष्य में आप IAS बने फिर इसको भी अपने साथ ही रखिए। बिल्कुल। अच्छा, देन यहाँ पे ये न्यूज़पेपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब करंट अफेयर्स वगैरह आप यहीं से प्रिपेयर करते हैं? देखिए, करंट अफेयर के लिए मुझे एक्चुअली मैगजीन मिल जाती है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट हो गई है अभी, तो मैं इसको भी पढ़ता रहता हूँ और इससे जो इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं उसके मैं नोट्स बना लेता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इस तरफ थोड़ा सा ये दिख रहा ना कि UPSC का सिलेबस आपने लगा के रखा हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि कैसे स्टडीज करना है, क्या क्या चीज़ें आती हैं जो नए छात्र आएंगे तो उनको समझने में थोड़ा सा आसानी हो, थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ कीजिए। देखिए, सिलेबस है इसमें, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि इसमें GS 1, 2, 3, 4 बताया हुआ है उसमें हमें क्या पढ़ना है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बिना सिलेबस के पढ़ाई ना करें, सिलेबस के बाहर पढ़ने को बहुत कुछ है और वहाँ आप कन्फ्यूज भी ज़्यादा रहने लगेंगे, तो जब भी अपनी पढ़ाई करें एक बार सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें। बिल्कुल, लिमिटेड चीजें पढ़ना जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, अदरवाइज PhD नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिख रही है, आई थिंक ये जॉनी डेप है, हॉलीवुड मूवी स्टार, और ये है ब्रूस ली, ये भी हॉलीवुड मूवी स्टार है। ओके, तो इन दोनों तस्वीरों को अपने रूम में लगाने का मतलब क्या राज है? एक्चुअली इधर मैंने देखा आपने कुछ दार्शनिक, साथ में साइंस एंड टेक और कुछ म्यूजिशियन की भी तस्वीरें लगा रखे हैं, यहाँ से आपको कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीजें मिलती है, देन आपने लगा के रखा एलन मस्क का जो आज कल मतलब काफी ज्यादा फेमस है, और देन आपने जो है म्यूजिक का आपको शौक है तो देन आपने अरिजीत सिंह का लगा के रखा है, बट ब्रूस ली और ये जो तस्वीर लगी है ये लगाने के पीछे क्या राज है, कुछ बताएंगे आप? पहले मैं ब्रूस ली के बारे में बताना चाहूंगा, ये एक बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है, ये एक बहुत अच्छे फिलोसफर रह चुके हैं और ये अपने मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इनकी जो सबसे ज्यादा चीज मुझे पसंद आती है वो ये है कि इनका लाइफ का एक मोटिव था कि इनको अपनी लाइफ में ह्यूमैनिटी की हाईएस्ट स्ट्रांगनेस को टच करना था कि इंसान की लिमिट्स कितनी है, और इसलिए मैं इनसे मोटिवेट होता हूँ। और दूसरी तरफ जॉनी डेप है, और इनके फोटो यहाँ केवल इसीलिए है क्योंकि इनकी एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नाइट्स, तो उस मूवी में एक डायलॉग था जब ये अपने फादर से पूछते हैं कि आप तो आज तक जिंदा बचे हुए हैं तो राज क्या है हमेशा खुश रहने का और जिंदा बचे रहने का, तो इनके फादर कहते हैं कि जिंदगी केवल जीने और मरने का नाम नहीं है, जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्शियस होकर जी, तो वो एक डायलॉग है जिसको मैं कभी नहीं भूलता और मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर जीने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, तो इस मूवी को देखने के बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? नहीं, ऐसा तो कुछ चेंज आया नहीं, ऐसे कुछ खास जिक्र किया एक मूवी के डायलॉग का, तो उस डायलॉग, वो डायलॉग आपके लाइफ में या फिर आपको कैसे इंस्पायर करता है? सर, एक्चुअली मैं बहुत आध्यात्मिक इंसान भी हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी का बहुत उसमें मेरा इंटरेस्ट है, और उसी को देखते हुए ये ज़रूरी मुझे ऐसा लगा कि जीवन जो है एक दिन निकल ही जाना है, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बातें यहाँ करने लगा हूँ कि जीवन एक दिन निकल ही जाएगा, और अब तक 20 साल की ज़िंदगी निकल चुकी है ज़्यादा की,
और ये ख्याल मुझे जब मैं क्लास 12th में यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता था तो बहुत आता था कि यार मैं 20 साल का हो चुका हूँ लेकिन अभी तक खुद को ही नहीं जान पाया हूँ पूरी तरह से कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर इमोशंस के क्या वैल्यूज़ हैं, इंटेलिजेंस मेरे अंदर कितनी है, मैं क्या हूँ, सब कुछ वो नहीं जान पाया। तो तभी से मेरा स्पिरिचुअलिटी का रुझान शुरू हुआ था। अब लॉकडाउन के बीच में ये मूवी मेरे भाई ने मुझे रिकमेंड करी कि टाइम पास करने के लिए मूवी देख लो, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। तो उस मूवी में मुझे एक लाइन बहुत अच्छी दिखी, तो उसी को हमेशा याद रखने के लिए इनका फोटो मैंने यहाँ लगा लिया। अच्छा कि आपको उस मूवी का ये डायलॉग अच्छा लगा और आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं। तो इनका रूम मैंने देखा, काफी अच्छा है। देन एक चीज मुझे और दिख रही है कि इन्होंने रूम में लाइटिंग भी कर रखा अच्छा। देन इसके पीछे का क्या राज है अनक्रोज, आप बताएंगे? सर ये केवल पॉजिटिविटी के लिए है और इससे ज्यादा कुछ है नहीं सर। अगर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, बाकी जो भी नए छात्र आए तो कम से कम ध्यान रखें कि इस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बना के रखें कि उनको पॉजिटिविटी मिले। देन इन्होंने जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ, फोकस कीजिए कि ये डेली मतलब जो भी इनका वर्क होता है उसको लिखते हैं, देन जब हो जाता है तो यहाँ पे टिक कर देते हैं कि ये वर्क हमारा डन हो गया है। देन हाँ, अगर नहीं भी हो पाता है तो निराश नहीं होना, इन्होंने बताया। देन उस दिन रेस्ट कीजिए, अगले दिन से फिर आप अच्छे से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो फिर अगला दिन भी अफसोस करने में निकल जाएगा। तो इनसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा मुझे, अभी मैं इनसे कुछ और बातचीत करूंगा। देन आप ये बताइए अनक्रोज कि आपने ऑफलाइन ही क्यों चुना, ऑनलाइन भी आप स्टडीज कर सकते थे। बिल्कुल, इसके पीछे रीजन ये था कि मैं तो एक्चुअली चाहता ही नहीं था कि मैं कोचिंग के लिए आऊँ, क्योंकि मेरा बेसिक्स ठीक ठाक हो गया था, मैंने ग्रेजुएशन भी ह्यूमैनिटीज से ही किया है। लेकिन मेरे फादर चाहते थे, वो कहना चाहते थे कि एक बार कोचिंग कराओ, उससे तुम्हारे मन में ये क्वेश्चंस और डाउट्स नहीं पैदा होंगे कि यार वहाँ कुछ खास तो नहीं मिल रहा। तो उसी के लिए मैं यहाँ आया। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित रखने के लिए ध्यान करते हैं, देन अभी यहाँ पे मेरी नज़र पड़ रही है ना, आपने यहाँ पे लिख रखा है एसब्रो, आई एम अ किंग, आई एम अ हीरो। देन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि आपके बेड के जस्ट सामने है, आप जब सोने लगेंगे या सोकर उठेंगे तो आपकी नजरों के सामने ये चीजें आएगी, तो ऐसा क्यों? देखिए, जब मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, जब मैं यहाँ पे नया नया आया था 6 महीने पहले, तब मैं बहुत परेशान रहता था उस वक्त थोड़ा सा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और शुरुआत में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पढ़ाई की, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए छोटी मोटी हरकतें करता रहता था, इसका ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना चाहिए कि काफी बच्चे होते हैं ना जो शुरुआती दिनों में डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपने बिल्कुल अच्छा किया है। जहां तक इनके रूम में मैंने देखा है कि इनकी नजरें किधर भी जाएगी तो इनका गोल इन्हें दिख रहा है, बाकी इनके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें इनको दिख रही है, जैसे इन्होंने ये कुछ मेंस के बुक्स वगैरह रखा है, देन यहाँ पे फिल्म्स का भी रखा है। इसको भी बता रहे हैं कि हम मॉर्निंग में डेली जो है देखते हैं। ये चाहते बातचीत करके मुझे काफी अच्छा लगा, और आई प्रे टू गॉड कि 2023 में ये अपना एग्जाम क्रैक करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें, फिर इनके साथ हम एक इंटरव्यूज बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करें इनके ऑफिस में पहुंच के। मैंने अनुक्रोश से बातचीत किया, काफी अच्छा लगा। इन्होंने रूम को अपने बाकी आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से संजोकर रखा हुआ है। देन पिछली कई वीडियोज हमने आपके लिए बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था बेस्ट कोचिंग का चुनाव कैसे करें, ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें, देन बहुत सारे चीजें थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियोज में कुछ हटके करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इनके रूम में कुछ हटके दिखा और देन काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।